गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्यावरण भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण भूगोल में अपन ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में पे पर्यावरण की परिभाषाएं, पर्यावरण भूगोल का अर्थ और पर्यावरण भूगोल का अन्य विषय क्षेत्र पढ़ा था। आज अपन बात कर रहे हैं कि पर्यावरण भूगोल का अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है और कुछ एक दो महत्वपूर्ण परिभाषा थी वो पीछे रह गई थी वो अपन इसमें पढ़ते हैं कि पर्यावरण भूगोल। तो अपन सबसे पहले पर्यावरण भूगोल की परिभाषाओं की बात करते हैं। तो पर्यावरण भूगोल की परिभाषा है, पर्यावरण भूगोल विभिन्न स्थानिक मापकों, यानी पर्यावरण भूगोल है जो विभिन्न स्थानों के माप एवं मापकों तथा विभिन्न समय मापक के संदर्भ में भूजीव तंत्र, यानी जो भूमि और जो जीव जंतुओं का जो तंत्र है भूजीव तंत्र है, या अपन कह सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र मैंने आपको बताया कि एक निश्चित क्षेत्र या इकाई होता है उसको अपन कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। के विभिन्न संगठकों की विशिष्टताओं, विभिन्न संगठकों की विशिष्टताओं तथा उनके मध्य आपसी अंतर संबंध, यानी जो जैविक और अजैविक जो घटक होते हैं उनके मध्य का जो संबंध होता है उनको अपन कहते हैं, या अपन कह सकते हैं उनके मध्य यानी जैविक अजैविक घटकों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन करते हैं। यानी अपन पर्यावरण भूगोल में जैविक अजैविक के जो तत्व होते हैं उनके मध्य संबंधों के मध्य का अंतर या उनके मध्य जो होने वाली अंतःक्रियाओं का अपन अध्ययन करते हैं। फिर अपन एक और परिभाषा की बात करते हैं कि पर्यावरण भूगोल भूजैव तंत्र, यानी जो भूमि प्लस जीव जंतु या इनको अपन शामिल करते हैं। भू का मतलब हो गया पृथ्वी या धरातल, या जीव यानी जो जीव जंतु सम्मिलित है, पेड़ पौधे जीव जंतु ये सभी के विभिन्न संगठकों की विशेषता, यानी इनके जितने भी जो संगठक हैं उनकी जो विशेषता, ऊर्जा के निवेश द्वारा भू जीव तंत्रों की क्रियाशीलता, यानी ऊर्जा के जितने भी संसाधन हैं उनके द्वारा जो जो भू जीव तंत्र है उनकी जो क्रियाशीलता है उनके बारे में, तथा विभिन्न संगठकों के अंतर संबंधित करने वाले भौतिक यानी जो फिजिकल यानी अपन कह सकते हैं अजैविक तत्व, फिर अपन कह सकते हैं रासायनिक यानी जो रसायन काम में आने वाले, या जैविक प्रक्रियाओं यानी जो जीव जंतुओं द्वारा पर्यावरण के मध्य या अपन कह सकते हैं एनवायरमेंट के मध्य जो संबंध होता है, जो प्रक्रिया की जाती है, या अपन कहते हैं कि भू जैव तंत्रों के विभिन्न संगठकों के मध्य, यानी जो जीव भू जैव तंत्र है उनके मध्य जो जितने भी जीव जंतु है उनके मध्य का अंतर या अंतःक्रियाओं तथा उनसे उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं, जो पर्यावरणीय तंत्र है भू जीव तंत्र उनके मध्य जो जीव जंतु आते हैं उनके मध्य होने वाली अंतःक्रियाओं या उनके मध्य होने वाली आपसी समस्याओं का अपन अध्ययन इसमें करते हैं पर्यावरण भूगोल में। तो अपन ने पढ़ी पर्यावरण भूगोल से संबंधित दो अन्य महत्वपूर्ण परिभाषाएं। फिर अपन बात करते हैं कि पर्यावरण भूगोल का अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है, यानी पर्यावरण भूगोल है जो अन्य विषय से किस प्रकार से संबंध रखती है। जैसे अपन बात करते हैं पर्यावरण भूगोल की अन्य विषयों के साथ संबंध, यानी जैसे अपन कहते हैं यह है आपकी पर्यावरण भूगोल। अब पर्यावरण भूगोल का संबंध जैसे भू विज्ञान, भौतिक भूगोल भौमिकी या वायुमंडल विज्ञान या भू भौतिकी, अपन सबसे पहले दो तीन सब्जेक्ट में बांट देते हैं कि भू विज्ञान क्या होता है। भू विज्ञान के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, इन चार मुख्य विशेष शाखाओं में अपन भू विज्ञान का अध्ययन करते हैं, यानी भौतिक भूगोल भौमिकी वायुमंडल विज्ञान और भू भौतिकी, इनके बारे में अपन जो अध्ययन करते हैं वही अपन क्या कहते हैं भू विज्ञान को कहते हैं। और जितने भी आजकल अपन कहते हैं कि जो पर्यावरण का जो अध्ययन क्षेत्र है, जो विषय क्षेत्र है, इतना ज्यादा व्यापक हो गया है कि उनका प्रत्येक विषय के साथ कुछ न कुछ जो आपसी संबंध रहता है उनको अपन क्या कहते हैं कि भौतिक पर्यावरण या पर्यावरण भूगोल के तहत अपन उनके संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये भू विज्ञान है इनके थ्रू एक अपन कहते हैं भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के अंदर अपन क्या करते हैं, जैसे जे भौतिक भूगोल के अंदर जितने भी जो स्थलाकृतियां वगैरह होती है उनका अपन अध्ययन करते हैं भौतिक भूगोल के अंदर। फिर अपन कहते हैं भूमि की, यानी भूमि से संबंधित जितने भी पर्यावरण है,
के जो तत्व होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। ये अपन कहते हैं वायुमंडल, यानी जो वायुमंडलीय जो घटनाएं होती हैं वायु वायु के अंदर, या उनको उनसे संबंधित जो पर्यावरण के मध्य अपन संबंध स्थापित करते हैं उनको कहते हैं वायुमंडलीय विज्ञान, या भूभौतिकी, यानी जो पृथ्वी के अंदर जो पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं से संबंधित घटना होती है उसको अपन भूभौतिकी के अंदर अपन अध्ययन करते हैं। इन सभी विषयों का जो संबंध होता है वो अपन के किसके साथ होता है, पर्यावरण के साथ। फिर अपन बात करते हैं कि एक होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान किन किन से मिलकर बना है? सबसे पहले अपन जीव विज्ञान में पढ़ते हैं वनस्पति विज्ञान, यानी वनस्पति विज्ञान के अंदर अपन पढ़ेंगे। फिर अपन पढ़ते हैं पारिस्थिति के अंदर, फिर अपन पढ़ते हैं जंतु विज्ञान। इन तीनों विषयों को मिलाकर अपन कहते हैं जीव विज्ञान, यानी वनस्पति के अंदर अपन पेड़ पौधों से संबंधित जितने भी विषय, या पेड़ पौधों की जितनी भी प्रजातियां, या पेड़ पौधों के नियम, या पेड़ पौधों के संरक्षण से संबंधित जो अपन पढ़ते हैं वो आता है आपके वनस्पति विज्ञान में। फिर अपन कहते हैं जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान कैसे, जितने भी जीव जंतु हैं या उनसे संबंध रखने वाले समुद्री, स्थलीय या बर्फीले जीव, उन सभी का अध्ययन अपन करते हैं जीव विज्ञान में, अपन कहते हैं जंतु विज्ञान। फिर अपन कहते हैं पारिस्थिति, और पारिस्थिति की हमेशा पूरे पर्यावरण, यानी ये कोई इकाई क्षेत्र नहीं है, पारिस्थिति एक व्यापक क्षेत्र होता है जिसमें अपन इनका अध्ययन करते हैं। और इन तीनों को जब मिला दिया जाए तो इन तीनों को अपन क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। और इनका भी संबंध किससे होता है, इन सब का संबंध वनस्पति विज्ञान में, जैसे अपन कहते हैं जीव मंडल, जैसे अपन कहते हैं स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल को मिलाकर जो शामिल अवस्था होती है उसको जैव मंडल या जीव मंडल अपन कहते हैं। तो जीव मंडल में क्या होता है कि जो भू जैव तंत्र है उसका भी संबंध पर्यावरण भूगोल से होता है, यानी जो जीव मंडल है उसका भी संबंध किससे होता है, पर्यावरण भूगोल से होता है। अब अपन पढ़ते हैं कि जीव मंडल को अपन जैव मंडल भी कहते हैं, क्योंकि जितने भी जीव जंतु होते हैं वो इस वायुमंडल या इस जीव मंडल के ही भाग होते हैं, उनको अपन जैविक तंत्र के रूप में अपन इनको पढ़ते हैं। फिर अपन इनको पढ़ते हैं कि स्थान विज्ञान भूगोल, यानी जितने भी प्रत्येक स्थान है उनका जो विज्ञान है और उनके साथ जो भूगोल का संबंध है उनको पढ़ते हैं। फिर अपन बात करते हैं कि जो जीव विज्ञान की एक और शाखा में अपन पढ़ते हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल भी किसके अंतर्गत आता है, जीव मंडल के अंतर्गत, यानी जो मानव के द्वारा जितनी भी अंत्यक्रिया या जो घटनाएं होती है उनका अपन अध्ययन कहाँ करते हैं, यहाँ पर। और मानव का संबंध भी पर्यावरण के साथ होता है, तो पर्यावरण भूगोल के साथ अपन मानव भूगोल का भी अपन संबंध को पढ़ते हैं। फिर अपन पढ़ते हैं कि जो ये भूभौतिकी विज्ञान है इसको अपन शुद्ध विज्ञान या भौतिक रासायनिक विज्ञान भी अपन कहते हैं, और इसके अंतर्गत भी अपन क्या पढ़ते हैं, जैव रसायन शास्त्र, यानी जितने भी रासायनिक अपन कहते हैं केमिस्ट्री, तो उनके भी तत्व या उनके विषय का भी जो संबंध है कहीं ना कहीं रूप से वो आपके जीव मंडल से संबंध होता है। और जीव मंडल को ही अपन क्या करते हैं, पारिस्थिति में अपन शामिल करते हैं। और पारिस्थिति यानी पूरा पर्यावरण, यानी अपन कह सकते हैं पर्यावरण विज्ञान या पर्यावरण भूगोल, तो अपन इन सभी विषयों का जो संबंध है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से पर्यावरण भूगोल के साथ आता है। फिर अपन बात करते हैं पर्यावरण भूगोल के साथ अपन कह सकते हैं कि भूगोल शब्द का, भूगोल विषय का भी अध्ययन करते हैं, सामाजिक विज्ञान का भी अपन अध्ययन करते हैं, फिर अपन बात करते हैं इतिहास का भी अपन अध्ययन करते हैं, यानी जितनी भी हमारे जो प्राकृतिक जो अपन के जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती है वो भूगोल से संबंधित होती है, और भूगोल कहीं ना कहीं रूप से क्या होता है, पर्यावरण भूगोल से संबंधित होता है। पर्यावरण भूगोल की जो घटनाएं होती हैं ये इनसे संबंधित होती हैं। ये अपन कह सकते हैं जितनी भी अपन की जो प्राचीन सभ्यता बसी वो कहीं ना कहीं किसी न किसी नदी के तट पर, जैसे मिश्र नदी, नील नदी, या अपन कह सकते हैं गंगा नदी के तट पर, तो जितने भी जो प्राकृतिक जो ऐतिहासिक जो स्थान है उनका संबंध कहीं ना कहीं पर्यावरण भूगोल से, क्योंकि वहां पर जो नदी या जो जल है वो अपन उसका अपन जल प्रदूषण अपन उनमें पढ़ते हैं, यानी पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत। फिर अपन पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान, यानी समाज के अंदर जितने भी जो विज्ञान है या अपन कहते हैं उनका अध्ययन भी पर्यावरण भूगोल से है, या अपन कह सकते हैं अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र का भी अपन क्या करते हैं, अध्ययन इसके साथ में करते हैं। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि भूगोल एक व्यापक विषय है,
उनका अन्य विषयों के साथ संबंध भी है, और ये इतने सारे जो संबंध विषय हैं उनसे ये संबंधित रखते हैं, और कहीं ना कहीं रूप से जो पर्यावरण भूगोल है आज का या वर्तमान स्थिति में बहुत ही व्यापक विषय के तौर पर उभरा है, और इसकी जो महत्वता है वो अब और ज्यादा बढ़ गई। इस प्रकार आज हमने पढ़ा भूगोल विषय व अन्य विषयों के साथ संबंध। थैंक यू। हमारे इस YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन को अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।